भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज माघ मास की पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष माघी पूर्णिमा की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। माघ मास में आने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा अथवा माघी पूर्णिमा कहा जाता है। माघ के महीने में अगर पूरी श्रद्धा और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो पूरे वर्ष श्री हरि भगवान की कृपा बनी रहती है। जिस प्रकार कार्तिक मास को सभी मासों में श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार माघ मास की पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है। इस दिन दान पुण्य और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करना और स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पितृगण गंगा स्नान के लिए आते हैं, इसलिए पितरों का ध्यान करते हुए दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन यदि पितरों का श्राद्ध किया जाए तो सुख सौभाग्य धन संतान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ पूर्णिमा के महत्व की एक कथा के अनुसार नर्मदा तट पर शुभव्रत नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह सभी वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता था। वह धन कमाने में ही व्यस्त रहते थे। धन कमाने के चक्कर में कई बार उन्होंने लोगों को ठेस भी पहुंचाई। लेकिन वृद्धावस्था में जब वह बीमार रहने लगे, तब उन्हें पूजा पाठ का ध्यान आया। उन्होंने अपना परलोक सुधारने के लिए माघ मास आने पर माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा स्त्री दिवं पर्यान्ति श्लोक को पढ़ते हुए 9 दिनों तक नर्मदा नदी में स्नान किया। 10वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। माघ स्नान करने के कारण वह पाप मुक्त हो गए और उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। त्रेता युग में जब भरत को श्री राम के वन जाने का समाचार मिला तो वह दौड़ते हुए माता के कई के पास पहुँचे। वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने माता के कई को शाप दिया कि भ्राता राम को वन भेजने का जो अपराध उन्होंने किया है, इससे उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाएं और साथ ही उन्हें कभी भी माघ पूर्णिमा पर स्नान दान का पुण्य ना मिले। गुरु रविदास का जन्म भी माघ पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसीलिए माघ पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती भी मनाई जाती है। आइए अब शुरू करते हैं माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे एक व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया।
वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए भगवन। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल तो दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे
और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं बताई। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशीला विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक सम्पन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन करने लगा तो अपने मन में सोचने लगा, ना जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म श्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब लड़की ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली लड़की थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही पुरुष है तो बताए मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो भूषण आदि दिए गए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें इनसे कही वह सब सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ भी नहीं जानता,
इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी भगवान ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई, तो वह जान गई कि अब उसका पति ठीक ठाक है, वह जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ जो यह आ गया है, और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत से उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट पहुंच गए तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर यही बात उन्हें बताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया, तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधु को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधु के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासी के इस पावन व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। इस प्रकार माघ पूर्णिमा की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना भगवान। आइए अब शुरू करते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन सुबह सवेरे पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से भी पवित्र नदी के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। स्नान के बाद जल में रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। दिन के दूसरे पहर में ब्राह्मणों,
और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। इस दिन काले तिल का दान करने का विशेष महत्व है और तिल, गुड़, घी, फल, अन्न और कंबल का दान अति उत्तम माना गया है। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री विष्णु भगवान।